वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ डेनवाल। सो इन लास्ट वीडियोज वी ऑलरेडी लर्न मैनी थिंग्स अबाउट द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। एंड इन लास्ट वीडियो वी ऑलरेडी सॉल्व मैनी क्वेश्चन रिलेटेड टू स्क्वायर रूट बाई मैनी मेथड्स। इज इट क्लियर बच्चों? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस और नेक्स्ट एक्सरसाइज हाउ यू विल फाइंड द परफेक्ट और स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशनल नंबर। बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे एक नंबर आपका रेशनल नंबर ये वाला, इज इट क्लियर? या सपोज कीजिए यहाँ पे एक नंबर ले लो थोड़ा 196। सर हमें पता है दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, याद होता तो आप डायरेक्ट लिखते थे दिस इज 4/14, इज इट क्लियर? बट सर हमें याद नहीं है, इट मीन्स हम दोनों का क्या करेंगे बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए टू मेथड्स बता रखे हैं आपको। वैसे मेनली फोर मेथड है, पर हम सक्सेसिव वाला करेंगे नहीं, एस्टिमेशन वाला भी बता सकते हैं हम, बट हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। सर 8 मीन 16 को बच्चों क्या लिख दिया, 2। अब देखिए इन दोनों का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का यही साइन होता है, तो सर 2 यहाँ से बाहर आ गया, 2 यहाँ से बाहर आ गया, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 4। तो आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए अपॉन बच्चों 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है 9 टाइम देन 8 टाइम्स, अगेन डिविजिबल बाई 2 49, दिस टाइम डिविजिबल बाई 7 7 7 1। बच्चों पेयर्स बनाएंगे, यहाँ से 2 आएगा यहाँ से 7 आएगा, इट मीन्स 2 × 7 14 इसका क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 4/14। अब आप इसको आगे सिंप्लीफाई करके 2/7 भी लिख सकते थे, बट उन्होंने पूछा नहीं था आपसे सिंप्लीफाइड फॉर्म। बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे डेसिमल में कोई नंबर आ रहा है ठीक है, उसका भी आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो अगर डेसिमल में, तो उसका भी आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे कैसे, आपके पास एक नंबर है 42.25 ठीक है, अगर सपोज करो लास्ट में 5 है तो सर 5 आएगा, इन वंस प्लेस पे देख लिया तो टेंस को भूल जाओ, अब नेक्स्ट वाले दोनों नंबर पे आ जाओ, इन टू को भूल गए। 42 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है सर, 36 होता है, किसका होता है, 6 का, तो इसका आंसर आएगा 6.5। तो देखिए एस्टिमेशन मेथड से कितना जल्दी हो गया। अब आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर नहीं सकते, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा नहीं डेसिमल में, तो आप किससे कर लो, डिवीजन मेथड से। देखो कैसे बच्चों, 42 से पहले सर 6 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता 36, या 6 टाइम गया, इन दोनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा, 12 है। यहाँ से कितना बचा सर, 6 बचा 0.25, तो यहाँ नहीं लगाएंगे पॉइंट को, यहाँ पे लगाएंगे ठीक है। सर 12 के साथ क्या लूँ, सर 5 ले लो, क्योंकि 125 को 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 625 ही आएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, तो कितने टाइम गया, 5 टाइम। ऐसे आप डेसिमल वाले नंबर का क्या निकाल सकते हैं बच्चों, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो यही हम सॉल्व करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व और एक्सरसाइज 3.4। तो इसमें पहले हम डेसिमल वाले नंबर से रिलेटेड ही बच्चों क्वेश्चन कर लेते हैं। जस्ट लेट मी चेक द कैमरा, यस बच्चों कैमरा इज वर्किंग फाइन। अब इसमें देखिए, आप जैसे क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, सेकंड वाला कर रहे हैं हम पहले, या इससे पहले भी थर्ड वाला कर लो। जैसे क्या करें, आपके पास एक नंबर है 324, वो क्या करें, अगर आप इसका स्क्वायर रूट करें तो इसमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आएगी बच्चों, ध्यान दो, जब 3 डिजिट आए या 4 डिजिट आए ठीक है, तो उनके अंदर हमारे कितनी हो जाएगी। जैसे आप स्क्वायर करते हो 9 से, सर 9 का स्क्वायर आता है 81, बट सर जैसे ही मैं 10 स्क्वायर करता हूँ 100 हो जाता है, कितनी डिजिट आ रही है आपकी, 3 डिजिट आ रही है ठीक है। बट सर अगर आप 19 का स्क्वायर करते हैं तब भी 3 डिजिट आती है, बट अगर आप जैसे मान लो 30 स्क्वायर करते हैं तब भी सर 3 डिजिट आती है, बट अगर आप 30 से बड़ा नंबर ले लो जैसे 40 स्क्वायर ले लो या 35 ही ले लो, तो सर यहाँ पे कितनी डिजिट आ गई, 4 डिजिट आ गई। इज इट क्लियर बच्चों?
तो अगर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे थ्री डिजिट आ रही है तो थ्री डिजिट में हमेशा नंबर ऑफ डिजिट कितनी आएगी, टू आएगी। इज इट क्लियर, समझ में आएगी नहीं है? बट सिर्फ फोर डिजिट में भी टू आएगी। क्यों आएगी, यहाँ देख लीजिए आप, जैसे अगला नंबर है 484। अगेन बच्चों, एक नंबर जो है आपका 900 से तो छोटा ही है, या 1000 से छोटा नंबर है ये, तो इसमें भी कितने डिजिट आएगी, नंबर ऑफ डिजिट टू ही आएगी सर। ठीक है, जैसे एक नंबर गिवन है 7921। अब आपको बच्चों पता है कि 5 डिजिट वाला नंबर सर 100 का स्क्वायर होता है, सबसे छोटा, और दिस नंबर इज इक्वल टू 10,000। तो सर 100 से छोटा, तो क्या ये 100 स्क्वायर से बड़ा नंबर थोड़ी है? सर ये 100 स्क्वायर से छोटा नंबर है, तो इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 आ जाएगी। ठीक है, जैसे आगे क्वेश्चन है 8281, यहाँ पे भी कितने डिजिट आएंगी बच्चों, ओनली 2 डिजिट्स आएगी। इज इट क्लियर बच्चों? अब इसमें ध्यान दीजिए, अब हम डेसिमल वाले नंबर्स का क्या करेंगे, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? तो आपको क्लियरली ध्यान रखना है, क्या करना है मैं बताता हूं। अगर आपको 4 डिजिट्स आ जाए, सपोज करो एक 4 डिजिट्स का आपका क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आएगी, तो आप n अपॉन 2 कर लीजिए। n बोले तो नंबर ऑफ, तो यहां कितनी थी 4 डिजिट, तो 4 अपॉन 2 में कितनी डिजिट आ जाएगी, 2 डिजिट। ठीक है, अब अगर 5 डिजिट का नंबर आ गया, जैसे सपोज करो 10,000 ही आ गया, तो सर इसमें 3 डिजिट आएगी। आपको फॉर्मूला याद कर लो, n प्लस 1 अपॉन 2, इसका मतलब 2 प्लस 1, n कितना है 5 डिजिट है आपकी, तो 3 डिजिट्स आ जाएगी। ठीक है कि नहीं है बच्चों? तो क्या अगर इवन डिजिट आए तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा, अगर ओड डिजिट आए तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा। जैसे सिंपली मैं वैल्यू ले लेता हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए, जैसे मैं वैल्यू ले लेते हैं, जैसे आपका वैल्यू है 7225, नंबर ऑफ डिजिट इज 4, इट मींस दिस इज इवन नंबर, इट मींस वी विल अप्लाई द फॉर्मूला n अपॉन 2। आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएंगे उसमें डिजिट्स, सो n इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज इक्वल टू 2, इट मींस इन स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर डिजिट्स विल बी 2। तो आपको क्या फॉर्मूला ध्यान रखना है, n अगर इवन है तो ये, अगर डिजिट्स आपकी ओड है तो फॉर्मूला आप ये लगाएंगे। इज इट क्लियर बच्चों? तो अगर सपोज करो किसी नंबर में 5 डिजिट होता, ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएगी, उसमें 5 प्लस 1 6 अपॉन 2, 3 डिजिट्स आएगी। आई होप बच्चों आप, जैसे क्वेश्चन आ गया 561, कितने डिजिट है बच्चों इसमें, 3 डिजिट है। ठीक है, हमें पता है किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पहली बात तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है, जैसे 525 ले लो, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आ रही है, 3, विच इज ओड, इट मीन्स एन प्लस 1 अपॉन 2 लगाएंगे, 3 प्लस 1 अपॉन 2, मतलब 2 डिजिट्स आएगी इसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट करने में, और हमें पता है सर 25 का 625 होता है, 625। आई होप बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जस्ट अगेन लेट मी चेक द कैमरा, यस कैमरा इज वर्किंग फाइन। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब इसमें हम डेसिमल नंबर का क्या निकालने वाले हैं, परफेक्ट स्क्वायर निकालने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, जैसे आपका एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3.4 में हम थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड वाला कर लिया, उसमें हम जैसे मान लो डी वाला पार्ट कर रहे हैं, वो है 27.04। ठीक है बच्चों, अब बोर्ड पे देख लीजिए, डिवीजन मेथड से करेंगे सर, 27 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर 25 आता, तो यहाँ पे आप 5 लग दीजिए ना, और यहाँ पे भी 5 ले लीजिए, इन दोनों का सम करेंगे 10, यहाँ पे आएगा 204। अब डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लगा दीजिए,
सर मैं 10 के साथ 2 ले लेता हूँ, तो 102 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको 204 मिल जाएगा, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 02 टाइम्स। इट मीन्स इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया बच्चों, 5.2। जैसे कि नंबर ले लीजिए आप 5.76। बच्चों देखो सर, 2 टाइम्स 2 ले लो, क्योंकि 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 होता है, विच इज 2 टाइम्स 2 प्लस 4 कर दीजिए 176। अब आपको भी पता है सर मैं 40 के साथ क्या लूँगा, 6 ले लेता हूँ, तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको और डेसिमल यहाँ पुट कर दीजिए, 6 या 36 24। अब देखो यहाँ पे दिक्कत हो गई, तो सर 6 वाला काम नहीं करेगा यहाँ पे, हम एक काम करते हैं, कितना ले बताओ बच्चों, यहाँ पे आ रहा था 2 + 2 = 4 आ रहा था, 4 के साथ क्या लें कि हमारा 176 आ जाए, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं 4 ही ले लेते हैं, तो सर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 4 = 6 ये आ गया। इट मीन्स क्या हुआ, इसका परफेक्ट, इस ये आपका नंबर था परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ इन डेसिमल फॉर्म, उसका रूट कितना आ गया 2.4, ठीक है, ये 0 आ गया। जैसे एक नंबर है प्यारे बच्चों इसी में 67.24। इट मीन्स बच्चों 67 से पहले एक नंबर आता 64 विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इट मीन्स दिस इज 8, दिस इज 8, ये 8 टाइम गया, तो बच्चों 8 और 8 हो गया 16। अब यहाँ पे बचा 3, सर डेसिमल आ रहा, तो यहाँ डेसिमल कूट गया 3, 2, 4। अब आपको पता है अगर मैं सर यहाँ पे 2 ले लूँ तो इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 × 2 = 4 = 12 है, 3 सर 0 आ गया, इट मीन्स 2 लेने पे, इट मीन्स ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, उसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 8.2। जैसे कि नंबर और है इसमें 148.84। डिवीजन मेथड से करेंगे बच्चे, बच्चों देखिए सर 148 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर 144 होता है, वो किसका होता है बच्चों, 12 का। इट मीन्स आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 12 और 12, 24 आ गया बच्चों, यहाँ पे 4 बचा, डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल ले लो, 484 के ले लो, ठीक है, तो सर मुझे यहाँ 2 ले लेना चाहिए, तो 2 लिया तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो देखिए 2 × 2 = 4 = 8 माइनस यहाँ पे कितना आ गया 0। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर था जिसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 12 था और 12.2 आ गया बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजीली है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो नाउ वी विल सॉल्व अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आपको क्या फाइंड करना है, 64/121। बच्चों ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पर रेशनल है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, बट दोनों डिवाइड में, इट मीन्स एक रेशनल नंबर है, तो सर 64 का मैं क्या करूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा इसे, 2 = 32, 16 again 2 = 8 again 2 = 4 again 2 = 2 = 1 पेर। इट मीन्स सर 64 का कितना आ गया, 2 × 2 × 2, इसका स्क्वायर रूट आ गया 8। सिमिलरली आप 121 का करेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों आपको, 11। तो इसमें थोड़े बड़े नंबर लेते हैं, जैसे एक नंबर ले लिया बच्चों 196/1681, ठीक है बच्चों। देखिए अब इसको किससे डिवाइड करें हम, सर ये तो इजीली है 196, तो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, 9 × 8 × 2 2 से डिवाइड हो रहा है सर 49 times, फिर 7 से डिवाइड हो रहा है 7 × 7 = 7, 1, तो कितना आ गया इसका स्क्वायर रूट सर, 2 × 7 = 14 आ गया सर, याद ही था हम सबको, बट हमें 1681 का करना है सर, 3 से हो रहा है क्या, चेक करो आप, 8 और 1 = 9, 9 और 6 सर 2 से नहीं हो रहा है, तो 7 से हो रहा होगा, 7 से चेक कर लीजिए, 166 में 7 का डिवाइड होता है क्या, 166 में 7 का डिवाइड होता है क्या, 14 नहीं होता, तो ये 9 से होगा क्या, 9 से चेक कीजिए बच्चों, नहीं होगा, 11 से चेक कीजिए आप इसको,
8 over 1 9, 9 minus 7 to 11 से भी नहीं हो रहा बच्चों, 13 से चेक कीजिए हो रहा क्या। तो 13 से अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये कितने टाइम होगा, 1 time 13 3 8 2 times 26 121, 13 से भी बच्चों ये डिवाइड। यस सर, जस्ट बच्चों होल्ड फॉर सेकेंड, तब तक आप चेक कीजिए किससे डिवाइड। यस बच्चों कैमरा इज वर्किंग फाइन ऑल्सो। देखिए बच्चों ध्यान दो, जब आप ऐसा डिवाइड नहीं कर पा रहे हो तो आप एस्टिमेशन मेथड को चेक कीजिए। देखिए 1681, ठीक है सर, हमें पता है 40 का स्क्वायर होता है 1600, इसका मतलब ये नंबर 40 के जस्ट पास वाला है। सर लास्ट में 1 होता है तो या तो 1 आता है या 9 आता है, बट अब 40 के पास वाला तो सर 41 ही आएगा, और सर देखो 16 है तो ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब हमारा कितना आ जाएगा 41। और आप सबको पता है 41 हमारा क्या है, एक सर हमारा 41 एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये नंबर हमारा 41 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा बच्चों, 41 से ये 41 टाइम डिवाइड होगा, तो यहाँ क्या आ गया हमारा 41 आएगा। आप जब ऐसे डिवाइड करना है तो आप एस्टिमेशन मेथड को भी देख सकते हैं। जैसे इसमें एक पार्ट और है बच्चों, वो भी अच्छा पार्ट है, देखिए क्या कह रहा है। बच्चों पार्ट ये कह रहे हैं, इसी में हम ई वाला पार्ट करें, बड़े वाले पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, छोटे वाले तो आप भी कर सकते हैं। ई वाला क्या कह रहा है, 4761 upon 6724। बच्चों ध्यान दीजिए, अब आप इसको सोल्व कीजिए, दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है सर। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकता हूँ, एस्टिमेशन से भी कर सकता हूँ, देखिए कैसे। सर 40 स्क्वायर करूँगा तो 1600 आएगा, तो 40 पे मत जाओ आप, 60 पे जाओ, 60 स्क्वायर विल बी 3600, 70 स्क्वायर विल बी 4900। इट मीन्स ये जो नंबर है आपका 4900 के पास वाला नंबर है। तो लास्ट में अगर 1 है तो सर या तो 1 आएगा या 9 आएगा, ठीक है। तो 70 के पास वाला नंबर है तो 69 का हो गया वो, आप चेक भी कर सकते थे प्राइम फैक्टराइजेशन से। सर लास्ट में देखो ये नंबर किसके पास में, सर 80 का स्क्वायर जो होता है ना वो 6400 होता है, बट सर 90 का स्क्वायर तो हमारा 8100 आता है, और ये जो आपका नंबर है 6724, लास्ट में सर 4 आ रहा है, तो या तो 4 आ सकता था या 6 आ सकता था वंस प्लेस पे, और उससे पहले देखो 67 तो सर या तो 84 आएगा या 86 आएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए ये वाला नंबर इसके पास में है, मतलब कम वाला आएगा 84, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 69 upon 84। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते थे, देखिए हो सकता है आपकी बुक में इसका आंसर रॉन्ग हो, ढंग से देख लेना। देखो बच्चों 6 और 1 7 7 और 7 14 और 4 18, बच्चों ये 3 से डिवाइड हो रहा है आपका, देख लो 11 12, 3 से डिवाइड हो रहा है 1 time, फिर 6 time, फिर 5 time, 3 से डिवाइड तो हो ही नहीं रहा है, कैसे डिजिट का सम 18 हो गया। फिर 7 और 7 14 और 4 18, तो 3 से डिवाइड कन्फर्म हो गई है। 1 time गया तो सर 1 7 आया, तो 1 7 में सर 5 time ही होगा, फिर 2 6 आया सर 8 time होगा, फिर 2 1 आया तो 7 time होगा। अब देखिए क्या फिर से ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 और 8, 1 और 5 6, 6 और 8 14 14 और 7 21, फिर से ये 3 से डिवाइड हो रहा है सर, 5 time हो गया, फिर 2 time हो गया, फिर 9 time हो गया, ठीक है। क्या ये फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 और 2 11, 11 और 5 कितना होता है बच्चों 16, इज इट डिविजिबल बाई 3 और एनी नंबर, सर हमें पता है 23 से ही डिवाइड होगा डायरेक्ट, क्योंकि ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 23 का। तो मैंने क्या बोला, आप 30 तक के परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। इट मीन्स इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया, 3 into 23, आपका स्क्वायर रूट आ गया 69, तो वहाँ पे 69 था। अब आप इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते थे, जैसे बच्चों 2 से डिवाइड हो रहा 3 time, ठीक है,
ये आ जाएगा। समझ में आया ही नहीं आया बच्चों, है ना? देखिए, टू टाइम गया थ्री, फिर थ्री टाइम गया वन, टू सिक्स टाइम, फिर टू टाइम, फिर से देखो टू से डिवाइड हो रही है, वन टाइम गया, फिर सिक्स टाइम गया, फिर वन एट वन टाइम, ठीक है बच्चों? और 1681 का आपको पहले बता दिया था सर, 41 से डिवाइड हो गया डायरेक्ट, ठीक है बच्चों? तो वहाँ पे 84 क्यों आया, 82 आना चाहिए था, क्योंकि लास्ट में सर 4 अगर आता है, लास्ट में सर 4 अगर आता है, देखिए बच्चों, पहले बच्चों ध्यान दीजिए, लास्ट में अगर 4 आएगा तो सर या तो 2K आएगा वंस प्लेस पे, या 8 आएगा, तो वो जो नंबर है आपका वो इसके पास में है, ये सर बच्चों एस्टिमेशन में आप मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पे 41 आ जाएगा और ये 1, तो आपका कितना आ गया 2 × 41 कितना आ गया बच्चों 82 आ गया, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया, ये तो रहा 69, ये हो गया 82, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, इसका तो हो गया 69 और इसका कितना हो गया 82। आई होप बच्चों विद दैट डॉट वी आर कम्प्लीटिंग दिस चैप्टर एंड यू विल प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस गिवन इन द एग्जाम्पल्स एंड यू विल ऑल्सो सॉल्व द वर्कआउट एक्सरसाइज इन नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्यूब एंड क्यूब रूट्स विद इन दैट चैप्टर वी विल सॉल्व अबाउट क्यूब एंड हाउ यू विल फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर। टिल देन बच्चों थैंक यू, हैव ए नाइस डे।